कि असल तो नेकी कमाना मुश्किल और नेकी कमाने के बाद उसका संभालना उससे ज्यादा मुश्किल। जैसे दौलत का चोरों से बचाना, डाकुओं से बचाना, जलने से बचाना, नुकसान से बचाना बड़ा परेशान कुल मसला है, उससे कहीं ज्यादा नेकी करके उसका आखिरी दम तक संभाले रखना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी आदमी को पता भी नहीं चलता और नेकियों को आग लग चुकी होती है। हदीस पाक में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में दुनिया की बातें करने से आदमी की नेकियां जलकर खाक हो जाती हैं। अब हमें एहसास भी नहीं होता, हम इस तरफ तवज्जो भी नहीं करते। इसी तरह इरशाद ग्रामी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब आदमी की नीयत में खलल वाके हो जाए और नीयत में बर्बादी आ जाए तो नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनके बारे में कुरान करीम कहता है या अय्युहल लजीना आमनू, फरमाया ईमानदारो ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ईमान और यकीन रखने वाले लोगों, जो तुमने किसी पर एहसान किया, जो सलूक किया, उसे मरने से पहले बर्बाद ना करो। ला तुबतिलू सदकातिकुम, जो तुमने किसी को खैरात दी, जकात दी, अल्लाह के नाम पे कुछ दिया, उसको मरने से पहले बर्बाद ना करो। अब सवाल यह है कि बर्बाद कैसे हो गया? एक आदमी ने किसी को, बेवा को, यतीम को, मोहताज को, गरीब को, हमसाये को 100 रुपए दिए तो बर्बाद कैसे हो गए? कुरान करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। अपने लेने देने को, अपनी खैरात को, अपनी ज़कात को, अपने सलूक को, अपने लोगों के साथ मरव्वत को बर्बाद न किया करो। इलाहुल आलमीन बर्बाद कैसे हो जाता है? फरमाया ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। एहसान जतलाना, उस पर मिन्नत लगाना, मेहने मारना, ताना जनी करना, हमने तेरी साथ यूं सलूक किया, हमने तुझे यूं खिलाया, हमने तेरी यूं इमदाद की, हमने तुझे यूं पाला, हमने तुझे यूं संभाला। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ईमानदारों, अपने सदकात को, अपनी खैरात को, अपनी नेकियों को, अपनी हसनात को, अपनी अच्छाइयों को बर्बाद ना किया करो। जतला कर, बतला कर, शर्मिंदा करके, दूसरे को जलीलो खार करके इस तरह से बर्बाद नहीं करनी। पता चला कि नेकी करना बड़ा मुश्किल है और नेकी करने के बाद उसका संभालना उससे ज्यादा मुश्किल है। इसी को कहता कि एहसान गर किया जतला कर भी तो लुत्फ क्या। एहसान गर किया जतला कर भी तो लुत्फ क्या। इस तरह से दे के दस्त गदा को खबर न हो, जिसको दे इस तरह से दे, सज्जे हाथ से दे रहा है तो खब्बे को पता ना चले, सखी ना बनता फिरा कर, हातिम ताई ना बना कर, लोगों में जतलाया ना कर, जिक्र अज़कार ना किया कर। अल्लाह फरमाते मेरे नाम पे नेकी करने वाले तू जान गया, तेरे पड़ोसी जान गए, क्या मुझे पता नहीं? फरमाया मैं अच्छी तरह से जानता हूं। या लमुहाइनतल आयुन वमा तुख्फिस्सुदूर,
मैं तो तुम्हारी आंखों के इशारों से वाकिफ हूँ, मैं तो तुम्हारी उंगली के इशारों से वाकिफ हूँ, दिलों के राज से वाकिफ हूँ, जो दिलों में नीयतें उठती है उनको जानता हूँ, इरादों से वाकिफ हूँ, वसवास से वाकिफ हूँ, मुझसे छुटकर जाओगे कहाँ, मेरी जात तो इतनी बड़ी है, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतिकाम। मैं इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बेनियाज, इतना बड़ा हुरमतों का मालिक, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, और मेरे बंदे क्या तेरे लिए मेरी जात काफी नहीं। फरमाया नेकी जाया ना किया कर, बड़ी मुश्किल बनती है नेकी, और अगर बन गई तो उसको आग ना लगा, उसे बर्बाद ना कर, उसे तबाह ना कर, उसे खत्म ना कर, कब्र में काम आएगी, हशर में काम आएगी, पुरसरात के वक्त काम आएगी, मौत का झटका लगते वक्त काम आएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये तो वो गारंटी है, ये तो वो करंट है, ये तो वो तेरा साथी है दीन और ईमान और यकीन, कि किसी वक्त सारा घर तुझसे अलग हो जाएगा, ये कब्र में भी तुझसे दूर ना होगा। फरमाया ईमान और यकीन की बात न जतलाया कर। मैंने फलां के साथ यूं एहसान किया, मैंने फलां के साथ यूं बर्ताव किया। जिगर ने बड़ी अजीब बात कही, कहती अबू एक कबाब से लगा न ले ये पता, बूए कबाब से कोई लगा न ले ये पता, जिगर के जल जाने की हवा को खबर न हो। इस तरह से गुजार, कोई ना जाने, रब जानता हो या तू जानता हो, अपने सारे मामला उसके सुपुर्द करता चल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को, तमाम मुसलमानों को एक अजीब तरह की हिदायत फरमाई। यूं फरमाया कि अपने मामलात में, अपने तमाम तर जिंदगी के शोबाजात में दीन को उजागर करो, ताकि दाएं बाएं और तमाम लोगों को यह पता चल सके कि हमारे साथ चलने वाला मुसलमान है, हमारे साथ मामलात करने वाला मुसलमान है, हमारे साथ सारे बर्ताव करने वाला मुसलमान है। यानी बगैर पूछे, नाम तेरा ना जानता हो, तेरे काम से यहूदी ये समझे कि ये मुसलमान है, ईसाई ये समझे कि ये मुसलमान है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कारोबार और ऐसा धंधा अख्तियार कर रखा है कि यहूदियों को ईसाइयों के साथ जब बेईमानी करते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये मुसलमान है, इसलिए इसने मुझे रगड़ा दिया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब जिंदगी के मालिक हैं, 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए, 53, और कई हज ऐसे हैं जो घर से लेकर बैतुल्ला तक आना जाना पैदल सफर किया। इन हजरात को नेकियों की कदर थी और डरते थे आखिर से कि हमारे साथ ना मालूम क्या माखज़ा पेश आ जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने इतना तकवा दिया था, इतनी परहेजगारी अता फरमाई थी, अंदाजा लगाओ वो आदमी कितना नेक होगा जिसने 40 साल तक ईसा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। आज तो यकीन भी नहीं आता, मेरा गप मालूम होता है, मेरा झूठ मालूम होता है कि हो ही नहीं सकता। गर्मी, सर्दी, सेहत, तंदुरुस्ती, आराम, दुख दर्द, 40 बरस तक ईसा के वुजू से फजर की नमाज। और सहाबा इकराम के जमाने में एक जमात ऐसी गुजरी, 50 आदमियों की मुस्तकिल जमात थी, 50 आदमियों की मुस्तकिल जमात थी, जिन्होंने 50 बरस तक मगरिब के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी।
बड़े चौड़े हुए फिरते हो तुम, हज कर लिया, चार नमाजें पढ़ ली रमजान रमजान में, बड़े चौड़े हुए फिरते हो कि साहब जन्नत का दरवाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं खोलना है। इधर आ मैं तुझे बतलाऊं नेक कौन होते हैं और अल्लाह पाक किन को नेक बनाता है। तेरे जैसे वहां हजारों पुल सराज पे से गुजरते गुजरते ही कट कट कर गिर जाएंगे। पांच सौ वर्ष घोड़ा दौड़े तो पुल सराज के ऊपर ले सिरे पे चढ़े, और 500 मील और 500 बरस तक घोड़ा दौड़े तो बराबर का सफर तय हो, और 500 बरस तक घोड़ा दौड़े फिर उसका ढलवान खत्म हो, इतना लंबा सफर है पुल सराज का। अब तुमने तो सोच लिया होगा कि इतना लंबा पुल हो ही नहीं सकता। हाँ जब चलेंगे जब पता चलेगा है कि नहीं। ये मेरी बात नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। लोग गुजर रहे होंगे, अंबिया भी गुजरेंगे, रसूल भी गुजरेंगे, पैगंबर भी गुजरेंगे, औलिया भी गुजरेंगे, सुलहा भी गुजरेंगे, मुत्तकीन और तमाम बुजुर्गान दीन गुजरेंगे, फासिक और फाजिर भी गुजरेंगे, बदमाश भी गुजरेंगे, बादशाह भी गुजरेंगे। हदीस पाक में आता है कि ऊपर ये पुल सरात होगी तलवार से तेज और बाल से बारीक, और जहन्नुम नीचे होगा, जहन्नुम उसके नीचे होगा। कौन सा जहन्नुम? फरमाया इन्ना आतदना लिज़ालिमीन, इन्ना आतदना लिज़ालिमीन नारं आप बिम सुरादिकुहा वस्तगीसु युगासु बिमा इन कल मुहलियश्विल वजूहु बिस शराब। आज तो बड़ा सौखा मालूम होता है, नमाज ना पढ़ो कोई बात नहीं, रोजा ना रखो कोई बात नहीं, किसी की इज्जत पर डाका डालो कोई बात नहीं, किसी का माल चुरा लो कोई बात नहीं, किसी के साथ फ्रॉड करो कोई बात नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं अपने बैंक में जमा कर रहा हूँ, तमाम हालात को नोट करके रख रहा हूँ, दस्तावेज पूरी की पूरी बन रही है, मिसल तैयार हो रही है, इधर मौत आएगी उधर आवाज लगे करा किताब की पढ़ अपनी किताब, कफा भी नफ्सिकल यौमालई का हसीबा, अपने खुद साहब खुद फैसला करता चल तेरी कमाई किस किस्म की है, तू धन दौलत किस किस्म का कमा के लाया है। ऐसे लोग के मगरिब की वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले 50 आदमी 50 बरस तक पढ़ते रहे। आज लोगों को फर्ज नमाज की तौफीक नहीं, जुमे की नमाज की तौफीक नहीं, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने लगातार 3 जुमे कजा कर दिए फलैसा मिन्ना, मेरी उम्मत से खारिज है, मैं उसका नहीं वो मेरा नहीं। और जिसके वो नहीं फिर जाए वो जहन्नुम में। और ईमानदारी की बात तो ये है कि बेनमाज के चेहरे को देखा करो, अकलमंद आदमी मुंह देखकर पहचान लेता है कि ये वो पुराना पापी है, बदमाश, नमाज नहीं पढ़ता। ये चेहरे से ही पता चल जाता है खुदा के बगावत करने वाले का, बागी का। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने नेक, इतने बड़े वली, इतने बड़े परहेजगार, रात को कुरान करीम की तिलावत करते हैं, नफलों में तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़ते हैं। ऐता गई सुम लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम सुम लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक।
फरमाया जरा इधर आओ तो सही, तुम्हें पता चलेगा किस तरह जलील कर देने वाला अजाब है, जला देने वाला अजाब है। वलहुम अजाबुम मुहीन, देखो तो सही मैं तुम्हें कैसा जलील करता हूं, सारी दुनिया तुम्हारे मुंह पे थूक के जाएगी। फरमाया जिसे मैं जलील कर दूं उसे इज्जत देने वाला कौन है, और जिसको मैं इज्जत दे दूं उसे जलील करने वाला कौन है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात को कुरान करीम पढ़ता है, एक अल्लाह का बंदा अल्लाहु अकबर इस कदर रोते हैं कि सारा मोहल्ला उठ के आ जाता है। नमाज में जब जहन्नुम का जिक्र आ गया, इमाम अबू हनीफा दाड़े मारकर जो रोए, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। और एक दिन नहीं रोजाना ऐसा होता था। लोग पूछते हजरत क्या बात है, फरमान करते थे जहन्नुम के अंगारों से डरता हूं, जहन्नुम के अंगारों से डरता हूं। कौन से अंगारे? फरमाया कि जिनमें जलने के बाद आदमी का बदन 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाता है, एक आदमी का बदन। और तकवा परहेजगारी का यह आलम है, एक आदमी ने नहर में गुसल किया, वो गुसल कर रहा है, ये उससे काफी दूर आगे जिधर पानी बहकर जा रहा है वहां वुजू फरमाने लगे, तो जब पानी उठाकर मुंह की तरफ किया कुल्ली के लिए तो वापस फेंक दिया, और जिधर से पानी आ रहा था उधर चले। एक आदमी को गुसल करते देखा जवान को, फरमाया इत्तकिल्ला इत्तकिल्ला इत्तकिल्ला, डर अल्लाह से, डर जा खुदा के कहर से। मुकाने लगा क्यों? अल्लाहु अकबर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू जिना करके इस नहर में गुसल नहीं कर रहा, बदकारी करके आया है तो इस नहर में गुसल कर रहा है। वो तो कहने लगा जी आपको क्या पता? फरमाया मैंने जब पानी उठाया कुल्ली करने के लिए, तेरे बदन से लगकर पानी गया होगा ना, तो पानी से जिना की बदबू आ रही थी, पानी से जिना की बदकारी की बदबू आ रही थी। मैं इसलिए तुझे हमदर्दी के तौर पर कहने आया हूं, इत्तकिल्ला डर अल्लाह से। और इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन 7 आदमी अरश के साए में होंगे, 7 आदमी अरश की छांव में होंगे, 7 आदमी रब्बुल आलमीन के मेहमान बन के बैठेंगे, एक उनमें से वो भी है, खूबसूरत औरत किसी को दावत दे इधर आ जा, और वो आगे से कह दे मर्द इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अपने रब्बुल आलमीन से डरता हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नाली में पानी देखते हैं, गुसल खाने में कोई जवान गुसल कर रहा है, वहीं पर बैठ गए। जब आदमी नहा करके निकला, अलहदा बुलाया, फरमाया बेटे जिना अच्छी चीज नहीं, खुदा की लानत बरसती है। वो कहने लगा आपको क्या पता? फरमाया मैंने नाली में पानी देखा, बुदबू जिना की आ रही थी। जिन लोगों ने अपनी नेकियों को संभाला और गुनाहों से बचने की कोशिश की, अल्लाह पाक ने उनको दुनिया ही में तमाम चीजें दिखाई और बताई। नेकी से खुशबू आई और बदी से बदबू आई। बेशुमार वाकयात हैं अल्लाह वालों के कि वो दुनिया ही में जन्नत के मजे लिया करते थे, दुनिया ही में उनको मजा आया करता था। बादशाह वक्त है, बादशाह है ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह है बलख के, बादशाह है अपने तख्त पे सोए हुए हैं। दिल में आया करता था कभी कभी, मैं भी अल्लाह वाला बन जाऊं, मैं भी दुर्वेश बन जाऊं,
میں بھی فقیر بن جاؤں، میں بھی خداوند عالم کی حضور میں ہر وقت اللہ اللہ کیا کروں، میری زبان ہو تیرا نام ہو، میرا دل ہو تیری یاد ہو، یہ دل میں ارادہ کیا کرتا تھا خواجہ ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہے بلد کا، کبھی بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں درویش بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں۔ اب ہم غریب آدمی سوچتے ہیں کہ یار اگر بادشاہ ایک گھنٹے کے لیے مل جائے نا، میں اپنا کوٹا تو پورا کر ہی لوں گا، ملے صحیح۔ تو خواجہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہو، باہر نکل کے پوچھا رہے کون ہے چھت پہ، بھائی کون ہے، کون ہے میری چھت کے اوپر؟ تو جواب ملا، میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، تو پاگل ہے، احمق ہے، عقل نہیں، اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے کبھی؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کوٹھے کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی، اگر میں عقل مند نہیں تو کون سا عقل مند ہے، اگر کوٹھے کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتا، تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملتا۔ مجھے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا، یاد رکھ شہنشاہی کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چسکے والے لوگ تو تھے نا یہ، جس کو اللہ کا چسکا پڑ جائے۔ بس صبح ہوئی، نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی، جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا، یہ منٹ شنٹ تو سارے اب آئے ہیں نا، لوکل باڈیز، بی ڈی ممبری، فلانی شورا ممبر اجلاس ہے، فلانی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یہ ساری کے سارے الحمدللہ انگریز کا تحفہ ہے، یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز، یہ تمام کا تمام ملک کا پیدا کردہ، ان کی پیدا کردہ بیماری ہے، اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ خواجہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے صبح اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ سال دو سال یا چھ مہینے، یہ کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا، ملنے گیا بادشاہ، اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں، یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی، میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے، کچھ دنوں پہلے میں نے مزے کیے تھے، اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو۔ سبحان اللہ، ایک عجیب بات کہی، اور یوں فرمایا میں بادشاہت کو لے کر کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں بادشاہی کے لوازم اور ہیں، بادشاہی کے لوازم اور ہیں، اور گدائی کے نرالے تار ہیں۔ فرمانے لگے بادشاہت کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندہ ہے، یاد رکھے تجھے تیری بادشاہت مبارک ہو، سو سال کی بادشاہت سر سجدے میں رکھ کر میں جب سبحان ربی العالی کہتا ہوں، اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے، تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہوگا۔ ہزار سال کی بادشاہت ہو، ہزار سال کی گورنری ہو، جو اطمینان، جو سکون، جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے، جو سبحان ربی العالی میں ہے، جو سبحانک اللہم میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے، اور جو درود پاک میں ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، وہ بادشاہت میں مزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک نمایاں فرق آپ کو بتاؤں، ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی، یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے
یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے۔ تو جو لوگ دیندار ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے، ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں، اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بچھ جایا کرتا ہے۔ چنانچہ ہر نیک آدمی کی یہ تمنا ہے کہ نیک آدمی میرا ایک رات مہمان بن جائے، کوئی اللہ والا میرے یہاں ایک گھنٹہ آ جائے، کوئی ایک منٹ آ جائے، اور کبھی کسی نے یہ بھی تمنا کی کہ ایک دن اور ایک گھنٹہ ڈنڈا لے کر تھانے دار میرے گھر میں آ جائے۔ کون تمنا کرتا ہے؟ اگر پتا بھی چل جائے نا کہ دروازے پہ کھڑا ہوا مجھے بلا رہا ہے، تو آدمی کہتا وہ لعنت کما رہا کیوں آ گیا یہاں بھائی۔ اس لیے کہ وہ دلوں پہ حکومت نہیں، فقیروں کی دلوں پہ حکومت ہوتی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صاف جواب دے دیا اور انکار کر دیا۔ اور تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس پر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد نے نیکی کی ہو یا عورت نے نیکی کی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبا، میں ان کی نیکی، ان کی سعادت، ان کی خوشبختی، ان کی اچھائی کا مزہ ان کو دنیا ہی میں چکھا دیتا ہوں۔ اب جتنا روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو روزے کا مزے کا پتا ہے، عجیب لذت ہوتی ہے۔ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے پتا کہ نماز کی کیسی لذت ہے، جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے۔ آدمی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نا، یقین جانو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس کے، اس نے تار کیوں ہلا دی، اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی۔ ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجب لگن ہوتی ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے۔ بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، میں اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا مٹھاس، اس کی چاشنی، اس کو دنیا ہی میں چکھا دوں گا۔ وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ورد جاری ہے۔ تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا، بلال خدا کوئی ڈو رہا ہے، کوئی کملا ہے جو سن تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ تعالی رو دیا، رونے لگے، اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اور وہ فرمایا کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو، جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں، میں آہستہ کیسے کہوں؟ خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خداوند کریم کے تجلیات کا دیدار کر لیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی تھے، آخری وقت ہے۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا،
پھر دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا تو فرشتوں نے پوچھا، بستامی جنت سے نفرت ہو گئی؟ جنت سے نفرت ہو گئی، منہ پھیر رہے ہو جنت سے؟ تو بستامی کہتا ہے نہیں، جنت سے نفرت نہیں ہے، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں میں اس جنت کو لے کے کروں گا کیا؟ اور یوں کہنے لگا، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ بایزید بستامی کہتا ہے میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جس میں تیرا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ بھئی ایک موٹی سی بات ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات۔ اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری، اس کے گھر جاؤ، گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا کھاؤ، پلاؤ پکا ہوا کھا، سالن پکا ہوا کھا، پانی پی، شربت پی، لسی پی، وہ کہتا ہے میں کروں کیا کھا پی کر، جس سے ملنے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی کے بغیر آپ دنیا میں بےتاب ہیں، جس سے دنیا کا کام ہے اور جس کو خدا کی لگن لگ جائے، جس کو خدا کی سوز و گداز لگ جائے، جس کو آخرت کا عشق پڑ جائے، جسے رب العالمین کی تجلیات کا تسکہ پڑ جائے، اسے دنیا میں مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو زبان سے بھی مزہ چکھا دیتا ہوں، آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں، دل اس کی گواہی دینے لگتا ہے، یہ تو جنتی مزے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کے لیے بہشت ہے، ڈرنے والوں کے لیے فردوس ہے، ڈرنے والوں کے لیے میری رضا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ میرے بندے میری اطاعت کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، اپنی ساری زندگی کو نکھری ہوئی رکھ، صاف ستھری رکھ، اسے گوگلی نہ بنا، میلی نہ بنا، اجلا رکھ اپنے تمام نظام کو۔ خدا کی قسم اللہ پاک ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا، ایک ایک دانے سے واقف ہے کہ یہ فلاں کے پیٹ سے گزرے گا۔ تو کیا ہماری زندگی کے واقعات و حالات سے وہ واقف نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ ہر قدم پہ سوچتے تھے، سانس پوچھ پوچھ کر لیتے تھے اپنے دل سے کہ کس طرح لوں، کس حالت میں سانس لوں۔ آج زندگی تلخ ہے، آج زندگی برباد ہے، آج ہم پریشان ہیں، اس لیے کہ ہمارے دی ہاتھ سے وہ رسی چلی گئی جس سے اطمینان اور سکون ملا کرتا تھا۔ قرآن کریم جس قوم سے چھن جائے، اللہ کا دین اور یقین جس قوم سے چھن جائے، انہیں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ لوگ ہیں، اتنے عظیم بہادر لوگ تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو تیار نہیں، نہ بزدل تھے، نہ چھپتے تھے، نہ بکتے تھے، نہ اپنے آپ کو پامال کرتے تھے۔ آج کل کے تو بادشاہ بھی کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے، یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ پرسوں تختے دار پہ لٹکا ہوا ہے،
यह भी कोई बादशाह था, आज बादशाह कल को जेल की कोठरी में पड़ा हुआ है। यह भी कोई बादशाह है, आज बादशाह कल लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं। बादशाह तो ये थी, बहादुर शाह जफर मरहूम को रंगून ले गया अंग्रेज बेईमान पकड़ के लानती। ये जितने तुम्हें मुल्क में बड़े बड़े सर नजर आते हैं, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इनके सारी सर हैं, पैर नहीं है इनके। तमाम के तमाम कौमों के गद्दार हैं, मुल्कों के गद्दार हैं, इस्लाम के गद्दार हैं, कुरान के गद्दार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज मेमों के थूक चाटे, जिन्होंने अंग्रेजों के घोड़ों की लीद चूसी। बड़े बड़े कबीले खानदान पड़े हैं तुम्हारे चारों तरफ। ये कोठी है जो इन्होंने चारों तरफ मुल्क में जगह जगह बना रखी है, ये इनके बाप दादा की बनवाई हुई नहीं, ये इनको विरासत में कहीं से नहीं मिली, अंग्रेज का तोहफा है सारा। बड़े बड़े चारों तरफ बिखरे हुए पड़े अब भी। तो बहादुर शाह जफर मरहूम को अंग्रेज पकड़ के ले गया। अल्लाह अकबर, अजीब अजीब बातें कही है इसने। आप लोग जोंक के नहीं, तुम्हें पागल कर दिया पाकिस्तान की कंजरियों ने, पाकिस्तान के कंजरों ने तुम्हें गाने सुना सुनाकर सुहारा के तमाम तखयलात को बर्बाद कर दिया। बड़ी बड़ी बात कही है बहादुर शाह जफर ने। एक अपनी गजल में कहता है, कहता पस मरग मेरे मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, पसे मरग मेरे मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, उस आह दामन बाद में सारे शाम ही से बुझा दिया। बड़ी बड़ी अजीब बात कही है। एक जगह कहता कि याद आएगी मेरी वफा मेरे बाद, कौन उठाएगा तेरी जफा मेरे बाद, बल्कि तस्बीह खां कुरान खां आए है वो आज मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने मेरे मर जाने के बाद। ये आया करे ना, बुड्ढे बाप को पानी का गिलास नहीं देना, दम निकलते ही कुलखानी के चावलों की तैयारी हो जाती है। कभी नहीं पूछा अब्बा जान को क्या हाल है। बहादुर शाह जफर मरहूम, मुगलिया खानदान का फर्जंद, अंग्रेज लांती गिरफ्तार करके रंगून ले गया। वहां जाकर कोठड़ी में बंद किया हुआ है, जंजीरों में पाबंद किया हुआ है। बहादुर शाह जफर के 12 बेटे थे, सारे बेटों को कत्ल किया। तवज्जो करना, बैठकों में होटलों पे दुकानों पे बैठकर नाविल बड़े पढ़ते हो, बकवास बड़ी करते हो, कभी तुमने अपने मुल्क की तारीख भी पढ़ी? चलो तुम्हें कुरान अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ईमान अच्छा नहीं लगता, तुम्हें सहाबा किराम के वाकयात अच्छे नहीं लगते, तुम्हें औलिया किराम की बातें अच्छे नहीं लगती, और जालिमों जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की तारीख तो पढ़ा करो कभी। तुमने तो यह भी कभी नहीं पढ़ा कि 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए। कम से कम कौम को पता तो चले कि पाकिस्तान का चोर कौन है। सिगरेट का धुआं उड़ाया और चाय की पत्ती पी और मौत आए कुत्ते की तरह मर गए, बस ये सीख रखा है। बहादुर शाह जफर के मरहूम के 12 लखते जिगर, 12 बेटे, खूबसूरत जवान सर कलम कर दिए, सर काट कर 12 बर्तनों में रखा, ऊपर सरपोश ढक दिए, और बहादुर शाह जफर को जाकर के एक अंग्रेज कहता है, हमने आज तुम्हारी दावत की है, हमने आज तुम्हारी दावत की है। बहादुर शाह जफर समझ गया अंग्रेज और मेरी दावत,
जैसे हम मौलवी भी इन बातों को कुछ कुछ जानते हैं, जब तुम जैसे कुछ दावत करने आता है ना, हम समझ जाते हैं कोई ना कोई इनके यहां मर गया। खुशी में दावत मौलवी को कौन खिलाए? चेयरमैन मर गए दावत खाने वाले कोई, और लोग थोड़े। बहादुर शाह तफर को अंग्रेज कहता है तेरी दावत की हमने, चलो। बादशाह कहता है मैंने दावत खा ली, तुमने खिला दी, क्यों तंग करते हो? बहरहाल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाए, कुर्सी बिछाई, आगे मेज रखी। बादशाह के 12 बेटों के सर रखे हुए थे बर्तनों में, और पहला बर्तन खोला तो बड़े बेटे का सर था, दूसरा बर्तन खोला तो उससे छोटे का सर था, तीसरा खोला, इसी तरह से 12 बेटे थे, 12 बेटों के सर बर्तनों में रखकर अंग्रेज ने सामने कर दिए। मैं होता, तुम में से कोई होता, तुम तो नेक हो ना बड़े वली, हार्ट फेल हो जाता, दिल की हरकत बंद हो जाती, चराम से गिरता, मर जाता। बहादुर शाह जफर जैसा जवान वही खड़ा होकर कहता के लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुर्बत कहाँ है। ओ मेरे बेटो मुबारक हो, ओ फरजंदो मुबारक हो, खानदान तैमूरिया के फरजंदो तुम्हें मुबारक हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम इतने वफादार निकले, अपने बाप के सामने सर आकर रख दिए, तुमने अपनी आन का सौदा न किया, तुमने अपनी शान का सौदा न किया, तुमने अपने वकार का सौदा न किया, और ये सर कटता अच्छा है झुकता अच्छा नहीं है। जरूरत थी लोगों में, बहादुर थे लोग, दिल्ली से लेकर चारों तरफ के अतराफ और इलाके में 4000 अरबी मदरसा था, कोई मौलवी न बचा, कोई मुहद्दिस न बचा, कोई उस्ताद न बचा, कोई खादिम न बचा, बल्कि आगे बढ़कर के कहूंगा उस वक्त मस्जिद में अजान देने वाला भी कोई न बचा। 14000 उलमाए दीन को एक दिन में फांसी दी थी अंग्रेज ने, 14000 उलमाए दीन को एक दिन फांसी पे चढ़ाया, मुख्तलिफ इलाकों में जलाया है, फांसी चढ़ाया है, परवाही नहीं। तो मैं कर रहा था जब नेकी का मजा दुनिया में आने लगे, जब नेकी की हलावत दुनिया ही में चखने लगे आदमी, फिर उस नेकी से बाज नहीं आया करता। मिर्जा मजहर जाना ने शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर बादशाह के खालासाद भाई हैं, बड़े नेक हैं, गोली सीने में लगी, जामे मस्जिद दिल्ली के जीने पे पड़ा है, पैरियों पे पड़े हैं। एक आदमी ने कहा हजरत 3 दिन गुजर गए, आगे तो हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, अब दुरूद शरीफ की आवाज नहीं आई, 3रा दिन है हमने दुरूद नहीं सुना, क्या बात है? मिर्जा साहब ने जवाब दिया सुभान अल्लाह, फरमाने लगे मेरे आका की जात पाक है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है, 1000 बार बशोम दहन द मुस्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। फरमाया अगर मैं मुझको अंबर जाफरान से अपने मुंह को 1000 मरतबा धोकर आका का नाम लूं, फिर मैं डरता हूं बेअदबी ना हो जाए। तो मिर्जा साहब कहते हैं हुजूर की जात इतनी पाक है, हुजूर की सफात इतनी सफात है, वो इतने पाकीजा है, मेरे सीने में जो गोली ठहर गई है वो गंधक और दूध की है, बदबूदार है, और लोगों सीने में बदबूदार गोली लेकर काली कमली वाले की जात पर दूसरी पड़ते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है हुजूर की जात पर दूसरी पड़ते हुए सीने में बदबूदार गोली है, और यहां हमारे यहां गंदे नाले पे होटल है, गंदी रूढ़ी पे होटल है, दबड़क दबड़क होटल पे वो ढोलक बज रही है, रिकॉर्ड बज रहा है, सूफी साहब बैठे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी मूंछ साफ है, शक्ल से मालूम होते हैं जैसे हुजूर इंदिरा के भतीजे हो,
कव्वाली हो रही है, खिल रहा है, बाबा 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 क्या बात है क्या बात है। ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहां किस मजलिस में और कहां आ रहा है, जिनके नाम को फरिश्ते भी अदब से ले, जिनके सामने जिब्रील ने टंड कभी न की। बाबे जिब्रील तक तुम मदीने पाक में जाओ, हुजूर के रोजे मुबारक से, कब्र मुबारक से बाबे जिब्रील देखो कितने फासले पे है। इतनी दूर तक जिब्रील अमीन फुट पैरा चलता था, पीठ पीछे चलता था, हुजूर की तरफ पीठ निकलता था। और बेअदब हमें बताते हो, तेरे सामने हुजूर का नाम कंगरी गाती है, वह पैसे निकालता है, इसको और ही मजा आ गया। सुभान अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक यूं, तुझसे तो वो अच्छे, तुझे हुजूर का अदब नहीं, तुझे हुजूर की कदर नहीं। मदीने के अगर तुझे नहीं कुरान से पता नहीं चलता, तुझे हदीसे पाक की किताबों से नहीं चलता, तुझे सहाबा से हुजूर का पता नहीं चला, तुझे जिब्रील से हुजूर का पता नहीं चला, और चला जा मदीने, मदीने के कुत्ते से पूछ ले काली कमली वाले का क्या मकाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने की बिल्ली से पूछ ले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का गलियों का क्या मकाम है। यूं ही लगे रहते हैं बस। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने वाले लोगों को अपनी नेकियों का पता दुनिया ही में चल जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, मेरी मुस्तकिल कैसेट है इस उनवान पर। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मार्केट में है, हर जुमे रात को जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे 1000 दुरूद शरीफ पूरा ना कर ले बादशाह को नींद नहीं आती थी। और यह उम्मत एक मरतबा भी नसीब नहीं, ये जो चौड़े हुए फिरते हैं ना हम उम्मत वाले, एक सोते वक्त एक दुरूद शरीफ की तौफीक नहीं। एक दिन पता नहीं क्या परेशानी थी तो 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा सुल्तान नूरुद्दीन बादशाह ने, तो सोते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हुई, सारे को सुभान अल्लाह ज्यारत हुई। अरे यूं फरमाया नूरुद्दीन, नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा, आज 300 मरतबा दुरूद पाक कम क्यों पहुंचा। अल्लाह अकबर, उठा है, वुजू किया है, रोया है और वो दुरूद पाक पूरा किया है। भाई जिसका सौदा मंजूर होगा तो लेने वाला कम ज्यादा भी बताने आएगा ना, यार सौदा तेरा कम निकला या ज्यादा आ गया। और हमारा तो असल तो सौदा नहीं, सौदा है तो मंजूर नहीं, कम ही जाती कौन बताने आए। मेरी मारूजात का मतलब यह है कि जो नेकी बन पड़े उसकी हिफाजत करो, उसको संभालो, उसे आग ना लगाओ, उसे बर्बाद ना करो। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्था वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। फरमाया हम नेकी करने वालों को यूं ही बदला दिया करते हैं, आखिरत में भी देंगे दुनिया में भी देंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुबारक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबियिल उम्मीयिल हाशिमी व अला आलिहि व सहाबी बरतिल किराम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबको के दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। इंग्लैंड से खत आया है कि इसको सुनते हैं लोग पूरी दुनिया के, मेरा तो कमाल नहीं, ये तो तुम्हारा कमाल है, अल्लाह पाक ने इनको कबूलियत आम्मा बख्शी है। उन्होंने लिखा है कि जुमे में और लोगों से भी और खुद भी सबसे दुआ कराएं, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। भाई मुश्ताक साहब है, उन्होंने खत लिखा है, उनके कारोबार के लिए भी दुआ करो, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। और यहाँ भी काफी सारे साथी हैं, या अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, रोज रिज़्क़ में वसअत अता फरमा।
یہ سلیمان ہے اس کی بیوی انتقال کر گئی, آج ہم دستار ہے اس کی بیوی اللہ کے یہاں چلی گئی, جنت الفردوس عطا فرما. اور یہ رب نواز کھڑا ہے, اس کے والدین میرے والدین تم سب کے والدین جو اللہ کے یہاں چلے گئے, یا اللہ سب کو جنت عطا فرما. اور جو زندہ ہے اللہ ان کی اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند اسی ہفتے میں انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان کو قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے. اور انہوں نے جو دینی خدمات 40 برس تک مدرسہ دارالعلوم کی اہتمام کے ساتھ کی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو, میرے بھی استاد تھے شمائل ترمزی کے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما, مرد عورتوں کی جھولیاں بھر دے, یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں, ہم سب کو بامراد بنا دے, سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, سب کو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. گرمی بڑی ہے, رکشوں کی 3 دن سے ہڑتال ہے, لوگ اس وجہ سے کم آئے, پریشان ہے. یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما, یا اللہ نزول باران رحمت عطا فرما, یا اللہ ساری مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما, سارے ملک پہ کرم فرما, ساری امت